राजनांदगांव के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा बास्केटबॉल प्रतियोगिता के उद्घाटन में राजनांदगांव के स्टेट स्कूल ग्राउंड पहुंचे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने मीडिया से चर्चा में कहा कि राजनांदगांव में राष्ट्रीय शालेय प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, यह राजनांदगांव के लिए गर्व की बात है। बता दें कि इस प्रतियोगिता में 14 साल से 17 साल तक के छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगे। करता हूं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। जो बच्चे मेरे सामने दिख रहे हैं, आज वो नेशनल गेम्स में प्रतिभागी की हैसियत से भाग ले रहे हैं, मगर यही बच्चे कल आने वाले समय में हिंदुस्तान के देश के टीम का भी प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। इन्हीं में से बच्चे निकलेंगे जो राष्ट्रीय स्तर में भारत का प्रतिनिधित्व करने की ताकत और क्षमता रखते हैं। इन सभी का मैं स्वागत करता हूं। नए वर्ष की शुभकामना के साथ साथ नए साल में नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ। और ये 4 तारीख से 7 तारीख तक चलने वाला नेशनल बास्केटबॉल का ये आयोजन, इसमें स्कूल के बच्चे और बेटियां भी आई हैं, 14 साल और 17 साल के उम्र के। ये निश्चित रूप से कल के भारत के भविष्य हैं। आज स्कूल में खेल रहे हैं, कल नेशनल टीम में ये खेलेंगे, देश का प्रतिनिधि करेंगे। राजनांदगांव को ये सौभाग्य मिला है, संस्कारधानी नगरी को, इस आयोजन को करने के लिए मैं सबको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। डॉक्टर साहब लगा।